हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम माता रानी के लिए लहंगा बनाने वाले हैं। ये देखिए, मैंने माता रानी के फोटो के लिए बनाया है, जो हमारी फ्रेम वाली फोटो आती है उसके लिए मैंने बनाया है। नवरात्रि पे आप भी इजीली अपनी माता रानी के लिए इसे बना सकते हैं, एकदम सिंपल और आसान तरीके से, बिना सिलाई मशीन के मैंने आपको इसे बनाना बताया है। आप वीडियो पूरी देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन वाले 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने ड्रेस कैसे बनाई है माता रानी के लिए। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये फोटो फ्रेम ले लिया है। आपको जिस भी फोटो फ्रेम के लिए बनाना हो आप वो ले लें। और सबसे पहले तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो मैंने यहाँ पे जो फोटो फ्रेम ले रखा है, इसकी लंबाई हमारी है 13.5 इंच के करीब में। ये देखें, इस तरह से 13 इंच भी आप मान सकते हैं। और जो चौड़ाई है वो है हमारी 9.5 इंच के करीब में, आप 9 इंच भी मान सकते हैं। अब हमें लहंगा बनाना है। तो देखिए, जहाँ पे माता रानी ने कमरबंद बांधा हुआ है यहीं से हम बांधेंगे अपना लहंगा। तो ये हमारा लगभग 8 इंच आ रहा है। ये देखिए, ये 8 इंच आ रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रख के हमें अपना फैब्रिक रखना है, मतलब कि 9 इंच। तो चलें अब हम देख लेते हैं, कमर हमारी यहाँ पे 9 इंच है और इधर से भी ये हमारा 9 इंच है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज कलर में नेट का फैब्रिक लिया है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये डबल है, इधर से फोल्डेड हिस्सा आ रहा है इसका। ये देखें, ये फोल्ड किया हुआ हिस्सा इधर है हमारा और खुला हुआ हिस्सा इधर है। डबल करके मैंने प्रेस कर लिया है। 9 इंच यहाँ से आ रहा है, मतलब कि ये मैंने पूरा 18 इंच लंबाई का लेके और डबल करके प्रेस कर दिया है। अगर आपको जोड़ने घटाने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो तो देखिए, इस तरह से ये हमारा 9 इंच आ रहा है। आपको क्या करना है, इन स्टेप को यही 9 इंच से पकड़ें और इस तरह से ऐसे मोड़ लें। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे मोड़ दिया, तो ये हमारा 18 इंच आ गया, मतलब कि 9 इंच का डबल। तो जितने इंच भी आपका आ रहा हो आप इस तरह से इसे अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे 18 इंच कर लिया है। अब मैं इस पर लगाऊंगी गोटा पट्टी का फैब्रिक। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर में गोटा पट्टी का फैब्रिक लिया हुआ है, ये बॉर्डर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए, सभी लोगों को लेस वगैरह नहीं मिल पाती है, तो आप कोई भी इस तरह का फैब्रिक जिसपे थोड़ी सी भी वर्क हो या प्रिंटेड ही हो, एक आप प्लेन ले लें, दूसरा आपका प्रिंटेड हो तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिया हुआ है। इसकी अगर मैं आपको चौड़ाई बताऊं, इसे भी मैंने सेम तरीके से डबल करके प्रेस किया हुआ है। तो चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये है हमारी 7 इंच, ये इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे 7 इंच है चौड़ाई और पूरी जो लंबाई है हमारी 45 इंच है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी भी खुली हुई साइड हम इधर रखेंगे। ये देखिए, दोनों की खुली हुई साइड हमने अपने तरफ इस तरह से रख ली है। और अब इन्हें ही हमें सिलना है। तो मैं आपको इसे हाथ से सिल के दिखाने वाली हूँ। ये देखें, सुई धागे की हेल्प से हम इसे सिलेंगे। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत आसानी से आप इसे स्टिच कर लेंगे। ये इस तरह से हमने पहले अपनी सिलाई को लॉक किया। लॉक करने के बाद यहाँ पे हमें ये इस तरह से ऐसे छोटी छोटी सिलाई लगानी है। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन हम रखेंगे और सिल देंगे। जब भी आपको इस तरह से सिलाई करनी हो तो आप अपने फैब्रिक को जरूर प्रेस करें। मैंने देखिए अभी तक आपको दोनों फैब्रिक दिखाया है, दोनों मैंने प्रेस कर लिया। आगे भी जो आपको दिखाऊंगी सब प्रेस करके ही हम सिलेंगे। प्रेस करके सिलने से सिलना इजी हो जाता है, क्योंकि अब इसे सुई धागे की हेल्प से सिल रहे हैं। ये देखिए, इतना दूर मैंने इसे स्टिच किया, बस इस तरह से सिलाई लगा दी। देखिए, छोटी छोटी सी सिलाई लगाई है, बड़ी सिलाई नहीं लगाई है। ऐसे ही हम इसे पूरा एकदम सीधा सा सिलेंगे। तो चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी होगी, और इसे स्टिच कर देती हूँ। ये देखें, इतना और आपको सिल के दिखा दूँ, इस तरह से हमारा आएगा। तो ऐसे ही हमें पूरा सिलना है। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे सिल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से पलट लेंगे। ये येलो वाले को हमें फ्रंट पे लेके आना है पलट के। ये देखें, इस तरह से मैंने पलट दिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहीं से इस पर प्रेस लगा लेंगे। ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे प्रेस लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से हमारा यहीं पे सेट हो जाएगा। चलिए प्रेस लगाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, पूरा हमारा कितने अच्छे से सेट हो गया। लग रहा है यहाँ पे हमने पाइपिंग लगाई हुई है। ये देखें, पूरा मैंने प्रेस कर दिया है और बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ये देखें, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से आप भी बना सकते हैं। इस तरह से है हमारा। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो जो साइड आपको सीधी लगे आप उधर से सिलाई लगा सकते हैं।
मुझे देखिए इधर से ये सीधी लग रही है, तो मैं यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो हमने यहाँ पे अपने सुई में धागा डाला हुआ है, यहाँ पे आप येलो कलर का धागा डालें, मेरे में पिंक कलर में पड़ा हुआ है। पर देखें ऊपर से मैं एकदम ऐसे बारीक छोटी सी सिलाई लगानी है, और पीछे से आप इसे लंबा कर सकते हैं, फिर ऊपर से बारीक और पीछे से लंबी, ऊपर से बारीक पीछे से लंबी। ये देखें ऊपर से एकदम छोटी और पीछे से हम लंबी सिलाई लगा रहे हैं, ये इस तरह से, ये ऐसे करके। अगर आपको यहाँ पे ऐसे स्टिच करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो तो आप इस पर 3-4 ऑल पिन सेट कर सकते हैं। वैसे दिक्कत तो बिल्कुल नहीं हो रही है, बट आप में से जिनको भी हो वो इस तरह से इस पर ऑल पिन सेट करके और सिलाई लगा सकते हैं। मैं देखिए आपको सेट करके भी दिखा दे रही हूँ, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है, थोड़ा बहुत सरक रहा है, तो अगर जिसको भी प्रॉब्लम थोड़ी सी भी समझ में आए वो इस तरह से कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप फोटो फ्रेम के लिए ही ड्रेस बनाएं, ये आप अपनी माता रानी के लिए भी बना सकते हैं, अगर आप अपनी माता रानी को इतनी लंबाई का लहंगा पहनाते हैं। और अगर आप नहीं भी पहनाते हैं तो आपको क्या करना है, माता रानी को कमर से लेके एकदम नीचे पैर तक मेज़र कर लेना है, कितनी भी लंबाई आ रही है, पैर तक मतलब एकदम नीचे तक, क्योंकि शेर पूरा कवर अगर आप करके पहनाते हैं तो पूरा नीचे तक आपको मेज़र करना होगा, माता का पैर जो होता है वो ऊपर होता है थोड़ा सा, तो आपको मेज़र कर लेना है, और जितना भी इंच लंबाई आती है उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरे पे पिन लगा दिया, अब ये सरकेगा नहीं, सरकने से ये क्या होगा कि इसकी पाइपिंग जो है वो आपकी थोड़ी खींच सी ख़राब हो सकती है, और नहीं सरकेगा तो बिल्कुल ऐसे ही सेट रहेगी। ये देखें इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, ये पूरी सिलाई हम इसी तरह से लगाएंगे। ये देखिए एकदम सिंपल और आसान तरीका आपको बता रही हूँ गाइस, बहुत आसानी से आप भी इसे बना लेंगे अपनी माता रानी के लिए, ये ऐसे करके। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया हमारा, ऐसे ही हम अपने पूरे पे सिलाई लगाएंगे, ऐसे सुई धागे की हेल्प से ही लगाऊंगी। चलिए लगा लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है, ये देखें पूरा मैंने इसे सुई धागे से ही सिला है। ये देखिए कुछ लोग बोलने लगते हैं कि आपने सुई धागे से नहीं सिला, मशीन से सिल दिया, इसलिए देखिए पूरा आपको दिखा दे रही हूँ। चले अब हम यहाँ पे प्लेट बनाते हैं। किस तरह से प्लेट बनानी है, पहली चीज़ वो प्लेट चौड़ी रहेगी, इस तरह से देखिए ये चौड़ी प्लेट मैंने बनाई, एक प्लेट बनाई, यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे, इसका आगे वाला जो हिस्सा है हमारी प्लेट का वो हम इस तरह से सिलेंगे। यहाँ पे येलो कलर के धागे से सिलूँ आपको अच्छे से दिखे, इसलिए क्योंकि नेफा लगाऊंगी तो ये हमारा ढक जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमने एक प्लेट बनाई, इसे छोड़ेंगे, और देखिए यहाँ पे हम अपनी इस तरह से दूसरी प्लेट बनाए। जब भी प्लेट बनाते हैं तो देखिए इस तरह से यहाँ ऊपर नीचे दोनों साइड से हम ऐसे पकड़ के और फिर यहाँ पे अपनी प्लेट बनाते हैं, ये इस तरह से इतना गैप देते हुए हमें बनाना है, एकदम पास पास प्लेट नहीं बनानी। ये देखिए इतना गैप है, लगभग 1/2 इंच के करीब में गैप है हमारा। अब अपनी इस प्लेट को हम ये आगे से ही सिलेंगे, बस ये आगे वाला हिस्सा हमें स्टिच करना है, ये हमने कर दिया, फिर हम इसे छोड़ेंगे और यहाँ पे हम अपनी अगली प्लेट बनाएंगे। ये देखिए मैं अपनी प्लेट यहाँ पे चौड़ी चौड़ी बना रही हूँ, इस चीज का आपको ध्यान देना है, ये यहाँ से बराबर है नीचे से हमारी अच्छे से। अब हम फिर यहाँ पे पकड़ेंगे और देखिए अपनी ये जो हमने तीसरी प्लेट बनाई है इसका भी आगे वाला जो हिस्सा है सिर्फ फेस इसका मैं सिल रही हूँ, इस तरह से छोटी छोटी सिलाई लगा के। ये देखिए यहाँ पे हमने सिल दिया, ऐसे करके हमें इसे पूरा सिल लेना है, और सुई धागे की हेल्प से कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से ये सिल जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे करके ये हमने अपनी यहाँ पे चौथी प्लेट बनाई, इसे भी सिलेंगे, ऐसे करके हम यहाँ पे इसे पूरा अपनी सारी प्लेट को सिलेंगे। और ये कमर आपको यहाँ पे 9 इंच, 9.5 इंच या 8.5 इंच भी अगर आप रखेंगे तो भी चल जाएगी, इतनी रखनी ही रखनी है। कभी कभी होता है लोगों से नहीं हो पाता है बराबर, तो मैंने इसलिए आपको ऑप्शन दे दिया कि आप इतना रख सकते हैं, 1/2 इंच आगे पीछे आप कर सकते हैं। देखिए आप मैंने डबल सिलाई लगा दी इस तरह से, ऐसे करके हम यहाँ पूरे पे सिलेंगे। तो चलिए मैं पूरी प्लेट बना लेती हूँ, फिर बताऊंगी आगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है पूरा पूरा, मैंने इसे देखें यहाँ पे ये सुई धागे की हेल्प से ही सिला है, आपको आगे से नहीं पीछे से अच्छे से दिखेगा। ये देखिए येलो कलर का धागा है, फिर भी देखिए बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आप चाहें तो यहीं पे एक डोरी लगा के अपना इसे खत्म कर सकते हैं, नेफा नहीं लगाने की कोई जरूरत है, क्योंकि ये ऊपर से भी फोल्डेड है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मैं यहाँ पे देखें येलो कलर का टच दूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे नेफा अटैच करूंगी। नेफे के लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया हुआ है अपना, इसे मैंने प्रेस किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखेंगे तो देखिए चौड़ाई इसकी है 3 इंच, हमने थोड़ा सा इधर से ऐसे मोड़ा, फिर थोड़ा सा इधर से, फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के प्रेस कर दिया,
अब हमें लगाने के पहले क्या करना है, इसे एक बार यहाँ से हम मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ से हम लगाएंगे। और लगाने के पहले मैं आपको यहाँ पे इसका ये नेफा भी दिखा देती हूँ कि कितने इंच है पूरा ये। तो ये देखिए, ये हमारा 9 इंच है पूरा, देखें इस तरह से 9 इंच है हमारा यहाँ कमर। तो चलिए हम यहाँ नेफा अटैच करते हैं। एकदम ईजी तरीका है नेफा लगाने का, आप किधर से भी अटैच करना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे मोड़ना है और मोड़ने के बाद यहाँ पे हम ऐसे करके लगाएंगे। ये देखिए ऐसे करके आएगा। ये हम डोरी लेंगे और इसके अंदर अपनी डोरी डाल देंगे। यहाँ सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी डोरी को नहीं सिलना है। ये इस तरह से यहाँ पे हमारा अब सिलेगा। देखिए मैं आपको सिल के दिखाती हूँ, आगे पीछे देखिए दोनों तरफ से ये हम इस तरह से आएगा ही। ये आगे पीछे दोनों तरफ से आप एक बार में ही स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप चाहें तो इसे बिना नेफा के भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं। ये इस तरह से मैंने सिला, देखें यहाँ पे नेफे के अंदर पूरा हम डालेंगे। ये नहीं कि गैप आए, अगर गैप आएगा ऊपर से तो आपका ये लंबा हो जाएगा लहंगा। ये देखें इस तरह से पीछे की साइड से थोड़ा सा लंबा, आगे की साइड से छोटी सिलाई, पीछे से लंबी आगे से छोटी, इस तरह से हमें इसे सिलना है। ये देखें, तो चलिए मैं इसी तरह से इसे सिलते हुए एंड तक आती हूँ, फिर एंड में आपको बता दूंगी कि वहाँ पे भी आप किस तरह से इसे लॉक करेंगे। चलिए हम इसे स्टिच करते हैं। ये देखिए इसे हमने यहाँ तक सिल दिया, अभी लगभग हमारा 2 इंच बाकी है, उसके पहले ही हमें रोक लेना है और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के बाकी का कट करेंगे। ये देखें, अब ये भी जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, इसे हमें ऐसे अंदर की तरफ मोड़ लेना है इस तरह से, और मोड़ने के बाद हम इसे अपना स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा लहंगा कंप्लीट हो गया है, कमर भी कंप्लीट हो गया। अगर देखिए डोरी को खींच रही हूँ तो सरक रही है, हमें डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। और इस पे प्रेस मैंने जब यहाँ पे अपनी सिलाई लगाई उसके बाद ही लगा दिया था, और उसके बाद मैंने प्रेस लगाने के बाद नेफा अटैच किया है। तो आप देखें कितने अच्छे से ये हमारा हो गया है और बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग भी आएगी माता रानी को। तो चलिए ये हमारा लहंगा हो गया, हम ऊपर का बना लेते हैं। अब देखिए पटके के लिए मैंने यहाँ पे ये बुकरम लिया है। अगर आप यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई मैंने इस तरह से रखी है 4 इंच और इसकी लंबाई टोटल मैंने 16.5 इंच रखी है। ये देखें इस तरह से 16.5 इंच है हमारी लंबाई। और यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज कलर का फैब्रिक लिया है अपने पटके को टिकाने के लिए ऊपर से, नेट का ही फैब्रिक है हमारा। लंबाई मैं बताती हूँ उसकी आपको पहले, तो एक्स्ट्रा ही करके ली है थोड़ी, 14 इंच है। और इसकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो हमारी 9 इंच के करीब है, 9 इंच से थोड़ी सी कम है। हमें क्या करना है, एक बार हम इसे इधर से फोल्ड करेंगे, देखिए इतना मैंने फोल्ड कर दिया, फिर एक बार इधर से फोल्ड करेंगे और फिर दोनों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। तो चलिए करती हूँ। और इसे हमें क्या करना है पहले ये भी बता दूँ आपको, देखिए इस तरह से हमने इसे मोल्ड लिया। मोड़ने के बाद ये हमारा 8.25 इंच का हो गया है। और इसके बाद एक बार यहाँ से मोड़ेंगे, ये इस तरह से हमारा 2 बार मुड़ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे कट करना है। तो यहाँ नीचे से हम इस तरह से ऐसे इसकी गोलाई देंगे और यहाँ से गोलाई देने के बाद यहाँ से हम इसे इस तरह से ऐसे कट करेंगे। ये ऊपर की साइड हम एकदम इसे पतला रखेंगे, ये देखें ये इस तरह से, ये हमने इसे कट कर लिया, ये इस तरह से हमारा आया है। यहाँ से अब हम इसे अलग कर लेंगे दोनों को, ये हमारा अलग हो गया, देखिए। अब इसे हमें प्रेस कर लेना है अपने गोटा पट्टी वाले फैब्रिक के ऊपर रख के। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे प्रेस कर दिया, और प्रेस करने के बाद अगर आपको इसकी मैं चौड़ाई दिखाऊं तो ये देखें इसकी चौड़ाई जो है वो हमारी 1.5 इंच आई है। इसे हम साइड करते हैं और इस पे भी देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है फैब्रिक अपना, प्रेस करके चिपका दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे टिश्यू रिबन की हेल्प से इसकी साइड्स जो है वो लॉक करनी है। तो चलिए हम वो कर लेते हैं। देखिए टिश्यू रिबन की हेल्प से हम इसे लॉक करेंगे। अगर आपके पास टिश्यू रिबन नहीं है तो आप कोई भी रिबन ले सकते हैं, ये 1/2 इंची का रिबन है। ये इस तरह से हमें लगाना है और लगाने के बाद यहाँ से हम इसे सिलेंगे। ये देखिए ये आगे की साइड से हमारी सिलाई जो है वो छोटी रहेगी, आप पीछे से इसे लंबा कर सकते हैं जिससे आपका थोड़ा सा जल्दी सिल जाएगा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इसे ऐसे सिलेंगे, ये देखिए बिल्कुल भी देख के पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से सिलाई लगाई है। और हमारा देखिए धागा भी बिल्कुल दिख नहीं रहा है, हम एकदम बारीक बारीक सी सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से, ये देखें।
कितना इजीली हो जाता है गाइस, बहुत आसानी से आप भी इसे बना सकते हैं ये इस तरह से। सिलाई लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान है, देखिए सुई हमारी यहाँ से निकल रही है, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए धागा हमारा यहाँ से निकला हुआ है, ये निकला है धागा और हम यहाँ से ऐसे डाल के सिलाई लगा रहे हैं पीछे की साइड से, इसे हम हाफ पक्किया बोलते हैं, इससे हमारी सिलाई जो है वो पक्की रहती है। ये नॉर्मल हम कच्चा नहीं कर रहे हैं कि ऐसे हम गुलते चले गए, वो नहीं हो रहा है, ये इस तरह से देखें ऐसे ऐसे करके हम इसे पूरा स्टिच कर लेंगे। चले कर लेती हूँ फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इस पर सिलाई लगा दी है, सिलाई लगाने पर इस पर प्रेस लगा दिया, बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है। प्रेस करते वक्त आपको ध्यान देना है, टिश्यू रिबन बहुत जल्दी से जल जाती है। अब हमें क्या करना है, ये हमने अपनी पट्टी लेनी है और इसके अंदर हम डालेंगे अपनी ये रिबन, इसमें से मैं कट कर लेती हूँ इस तरह से, ये हम बांधेंगे इसी से प्रेस को। तो देखिए इस तरह से हमें ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसके अंदर हम इस तरह से डाल देंगे। दोनों साइड से हमें एक्स्ट्रा रखना है बांधने के लिए, ये देखिए ये बीच में आपको रखना है, ये नहीं कि बहुत ऊपर कर दें या नीचे कर दें, ये हमने सेंटर में इसे कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे पिन कर देती हूँ एक, जिससे ये हमारा अटैच रहे यहीं पे, इस तरह से इधर से भी कर दिया और इधर से भी हम अपना पिन कर देंगे, जिससे यहीं पे सेंटर में रहेगा, इधर उधर नहीं होगा, उसे यहाँ पे भी पिन कर दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हम लेंगे अपना माता रानी का फोटो फ्रेम और यहाँ पे इसे मेज़र करना है, ये देखिए ये इस तरह से, ये दोनों साइड से हमारा एकदम इक्वल आपका बचना चाहिए, ये इतना आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे, देखें ये इस तरह से एक पट्टी हमें यहाँ पे अटैच करनी है और दूसरी हमें यहाँ पे अटैच करनी है इस तरह से। तो चलिए अब अपनी पट्टी भी हम अटैच करते हैं, ये देखें ये पट्टी को लेना है और इस तरह से यहीं अंदर जहाँ हमने इसे रखा हुआ है यहीं इस तरह से हम डालेंगे ऐसे करके, और पूरा अंदर तक डालना है ऐसे। डालने के बाद यहाँ पे हम इसे सिलेंगे सुई धागे से, आपको ध्यान देना है कि इसे आपको अपने मार्क से बाहर नहीं लेके जाना है। यहाँ पे हम इसे देखें सुई धागे की हेल्प से ही सिलेंगे, तो यहाँ पे जब आप सिलेंगे तो आपकी ये पट्टी के साथ साथ रिबन भी स्टिच होगा, ये देखिए एकदम हमारा अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, ये देखें इस तरह से। यहाँ पे अभी हमें लेस अटैच करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे देखिए लंबी लंबी सिलाई लगा ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं करेगी। इस तरह से हमने इसे यहाँ पे अटैच कर लिया, अब बस इसकी दूसरी साइड हम अपना दूसरा हिस्सा भी अटैच कर लेंगे इस तरह से, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये जो एक्स्ट्रा है हमारा, इसे हम कट कर सकते हैं, ये जो हमारी नेट है एक्स्ट्रा, इसे आप इस तरह से कट कर लें अपनी टिश्यू रिबन को बचाते हुए। देखिए पीछे से कट करना था तो मैंने आगे फोल्ड कर दिया, आगे से कट करना था तो पीछे फोल्ड कर दिया, ये कट कर दिया। आप चाहे तो पहले ही कट कर लें, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, एकदम लंबाई एग्जैक्ट मेजर करके और कट कर लें। मैंने सिलाई लगाने के बाद कट कर दिया, सेम तरीके से अपनी पट्टी इधर भी लगाऊंगी, चलिए लगा लेती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए ये हमारा दोनों साइड से लग गया है, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए एक मैंने यहाँ पर सिर्फ ये लेस यूज़ की है, इसे इस तरह से ऊपर लगाऊंगी और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे अपनी सुई धागे की हेल्प से, हम इसे भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से, ऐसे हमें लगाना है इसे। तो चलिए इसे भी मैं सिल लेती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे सिल लिया, सिलने के बाद यहाँ पे देखिए एक फ्लावर बना के लगाया है, किस तरह से बनाया है। यहाँ पे हमने ये फैब्रिक लिया नेट का, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा है 6.5 इंच और इधर से है हमारा 2.5 इंच। हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसे मोड़ना है और मोड़ने के बाद यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये देखिए इस तरह से कोनाई आएगी हमारी और यहाँ पे हम इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, रोल करना इस तरह का फ्लावर बनाना मैंने आपको पहले भी बताया है। अब देखिए नीचे से पकड़ेंगे और जो कोनाई वाला हिस्सा है इसे पीछे से अंगूठा लगाना है और ऊपर से अपनी उंगली, पीछे से अंगूठा ऊपर से उंगली लगा के इसे इस तरह से पलट देंगे, ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा हमारा नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर आएगा, बस इतना ही करना है और आपका ये बनता चला जाएगा। ये देखिए यहाँ से आपको इसे रोल करते रहना है बस, ये देखिए कितना इजीली बन जाता है गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप भी इसे बना सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए आपको,
एक दो आपका खराब जरूर होगा अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो, बट उसके बाद ये आपका बहुत ही इजीली बनने लगेगा। देखें इस तरह से हो गया। अब यहीं पे हम इसे सुई की हेल्प से सिल लेंगे। ये देखें ये इस तरह से मेरा धागा यहाँ पे थोड़ा छोटा है, चलिए मैं बड़ा धागा लगा के सिल के और इसे यहाँ पे सिल देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे लहंगे के ऊपर मैंने थोड़े से स्टोन बटन्स लगा दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये हमारी ऊपर की पटका भी कंप्लीट हो गया। तो गाइस इसे पहना के मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग ही दिखा दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।